का इतिहास और कथा, कैसे पढ़ा शक्ति पीठ का नाम चिंतपूर्ण। नमस्कार, मैं हूँ सिमरन और आप देख रहे हैं नेक्स्ट नाइन स्पीकर। जी हाँ, माता चिंतपूर्ण करती हैं भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूरी। जानिए मेरे साथ क्या है शक्ति पीठ की कहानी। देवी सती के रूप चिंतपूर्णी देवी को समर्पित चिंतपूर्णी देवी मंदिर के इतिहास और किंवदंतियों के अनुसार चिंतपूर्णी देवी मंदिर की स्थापना लगभग 12 पीढ़ियों पहले छपरो गांव में पटियाला विरासत के एक ब्राह्मण पंडित माईदास जी द्वारा करवाई गई थी। समय के साथ साथ इस मंदिर को चिंतपूर्णी देवी मंदिर के नाम से जाना जाने लगा। कहा जाता है उनके वंशज आज भी इस मंदिर में रहते हैं और देवी चिंतपूर्णी की पूजा अर्चना भी करते हैं। एक पौराणिक कथा के अनुसार सभी माताओं की उत्पत्ति एक ही कथा से है। चिंतपूर्णी देवी माता सती का ही एक रूप है। कहानी कुछ इस तरह से है कि भगवान शिव की शादी माता सती से हुई थी। माता सती के पिता का नाम राजा दक्ष था। वो भगवान शिव को अपने बराबर नहीं मानते थे। एक बार महाराज दक्ष ने एक बहुत बड़ा यज्ञ का आयोजन करा। उन्होंने सभी देवताओं को इस यज्ञ में निमंत्रण भेजा, किंतु भगवान शिव और माता सती को निमंत्रण नहीं भेजा। यह देखकर माता सती को बहुत अधिक क्रोध आया और उन्होंने वहां जाकर अपने पिता से इस अपमान का कारण पूछने के लिए उन्होंने शिव भगवान से वहां जाने की आज्ञा मांगी, किंतु भगवान शिव ने उन्हें एक वजह से वहां जाने के लिए मना किया। किंतु माता सती ने बार बार आग्रह करा, किंतु उनके आग्रह पर भी जब भगवान शिव ने मना कर दिया तो माता बिन बुलाए वहां पहुंच गई। पिता यक्ष के यज्ञ में जाकर उन्हें पता चला कि भोलेनाथ को काफी बुरा भला कहा गया, साथ ही भगवान शिव के लिए काफी आपत्तिजनक बातें भी कही गई, जिसे माता सती सहन नहीं कर पाई और उन्होंने उसी यज्ञ की आग में कूदकर अपनी जान दे दी। यह देखकर भगवान शिव को बहुत अधिक क्रोध आया और उन्होंने माता सती को जला हुआ शरीर देखकर अग्नि कुंड से उठाकर चारों ओर तांडव करना शुरू कर दिया, जिस कारण सारे ब्रह्मांड में हाहाकार मच गया। यह देखकर लोग भगवान विष्णु के पास भागे। तब भगवान विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्र से माता सती के शरीर के 51 टुकड़े किए। ये टुकड़े जहां जहां गिरे वहां पर शक्ति पीठ बन गए। मान्यता है कि यह माता सती के चरण गिरे थे, जिसे अब माता चिंतपूर्णी के नाम से जाना जाता है। इसी के साथ आज की पेशकश में इतना ही। मैं मिलूंगी आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप सब्सक्राइब कीजिए हमारे यूट्यूब चैनल नेक्स्ट नाइन स्पीकर को।